ठंडा ज़्यादा है दिल्ली में, आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बट वॉट टू डू। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, आई एम शान एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग वरुण धवन मूवी जिसका नाम है स्ट्रीट डांसर। सर इससे पहले यू नो इस मूवी के बारे में इस ट्रेलर के ऊपर जाए, मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, मैंने यू नो कल वीडियो अपलोड करी थी अबाउट अपकमिंग रजनीकांत एंड सुनील शेट्टी मूवी दरबार। वो वीडियो जो है वो ब्लॉक कर दी गई है लाइका प्रोडक्शंस ने, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पहले 2.0 पे मैंने ऑलमोस्ट 4 या 5 वीडियोस बनाई थी एंड इट वाज आल्सो बाय लाइका प्रोडक्शंस एंड उन्होंने ऐसा कुछ उस पे यू नो ब्लॉक का हिसाब किताब नहीं किया था, कॉपीराइट वाला इशू, बट इसमें दे हैव डन इट। आई फाइल्ड अ डिस्प्यूट दो, मैंने डिस्प्यूट फाइल करके उसमें स्पेशली लिखा है उनको मैसेज दैट यू नो कि उसे वो चाहे तो मोनेटाइज कर सकते हैं उस वीडियो को, बट वर्ल्ड वाइड ब्लॉक एटलीस्ट हटा दें उस वीडियो से। अभी रिसेंटली भी मेरी कई वीडियोस, इनफैक्ट काफ़ी पुराने वीडियोस भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मतलब 7 7 8 8 महीने पुराने वीडियोस ब्लॉक हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मर्द को दर्द नहीं होता, पीहू, छिछोरे भी पहले हो गया था वो अनब्लॉक हुआ है समहाउ, एंड देन देयर इज केदारनाथ का ट्रेलर, एंड यू नो ऐसे कई ऐसे वीडियोज हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे देखने के लिए क्योंकि दे आर ऑल ब्लॉक्ड। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से ये पता नहीं नया ट्रेंड आ गया है या ये नई एक तरह की स्ट्रिक्टनेस है या आई डोंट नो वॉट दे आर ट्राइंग टू अचीव, बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी मेरी वीडियोज हैं इस ये हाफ भी नहीं, इनफैक्ट 75% ऑफ माई वीडियोज आर नॉट इवन यू नो आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर मोनिटाइजेशन। आप मेरी जितनी भी बहुत यू नो बहुत ही लिमिटेड पोर्शन होता है मेरे जितने भी वीडियोस हैं अब तक, उसमें बहुत ही लिमिटेड पोर्शन है जिनसे मैं एक्चुअली यू नो किसी भी तरह का यू नो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ। जितने भी मेरी वीडियोस आप देखते हैं अगर उस पे ऐड आ रहा है, सब ज़्यादातर पे तो होगा नहीं, बट अगर किसी पे ऐड आ रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस हैं, मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हैं उसमें ऑब्वियसली वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम लगा के मोनेटाइज होती है वो वीडियो, लेकिन आई गेट जीरो, वो सारा यू नो जो ओरिजिनल अपलोडर है उस पर चला जाता है। मैंने इसमें भी यही लिखा है जो यू नो दरबार का मैंने डिस्प्यूट फाइल किया है उसमें भी मैंने मैसेज में यही लिखा है कि माय मेन मोटिव माय मेन प्रायोरिटी इज टू मेक द कंटेंट एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो देखने को मिले, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि मैं वो वीडियो बनाऊँ फिर अपलोड करूँ अगर वो आप लोगों तक पहुँचे ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो लेट्स सी वो वीडियो अनब्लॉक होती है या नहीं, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो यू विल फाइंड दैट वीडियो ऑन माय फेसबुक पेज जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दैट। सो चलिए नाउ लेट्स गो टू दिस मूवी स्ट्रीट डांसर 3D, एक्चुअली पूरा नाम इसका ये है। सो इट इज डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा एंड सो आई डोंट नो हाउ इज इट गोना बी, क्योंकि जो लास्ट मूवी डायरेक्ट करी थी रेमो डिसूजा ने दैट वॉज रेस 3 एंड ओके। सो स्ट्रीट डांसर 3D इट्स स्टारिंग वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, सेम स्टार कास्ट एज ABCD2 जो भी यू नो रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट करी थी, एंड देर इज ऑल्सो इन द लीड्स, लीड्स में ही हैं ये लोग, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर एंड ऑल्सो नोरा फतेही एंड प्रभुदेवा, ये भी लीड में है। सो देर इज दैट एंड जितने भी यू नो फेलो डांसर्स हैं जो आपको रियलिटी शोज वगैरह में यू नो नॉट रियलिटी शोज, जो डांस शोज वगैरह में जज वगैरह की कुर्सी पे बैठे दिखते रहते हैं वो सब इसमें कहीं ना कहीं होंगे, दे विल बी कैमियोज यू नो सपोर्टिंग रोल्स एंड ऑल दैट स्टफ, रेमो डिसूजा डज दैट ऑल द टाइम। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट्स अनदर डांस फिल्म जस्ट लाइक ABCD2 एंड देखते हैं। सो इट्स 2 मिनट्स एंड 52 सेकंड्स लॉन्ग, स्ट्रीट डांसर 3D ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो। इंडिया और पाकिस्तान चाहे क्रिकेट में मिले या डांस बैटल में, मजा तो आएगा। और मेरी लाइफ का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2। अगली बार मुकाबले का मन हो ना तो कुछ नया सीख के आना। पता तो दे भाई, पता पकड़े इसकी। एक दिन एक कॉमेंटेटर ने ना इनके कैप्टन से पूछा, यू नो इंग्लिश, उसने बोला अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। कमाल, गले पड़ने वाले आज गले लग रहे हैं अचानक। यस सर, मैं मानता हूँ कि एक अलग कंट्री से, पर सर मेरी बीजी हमेशा कहती है लव दाई नेबर। लेके जाऊंगा दिल
ये था नया वो जानता है तुम्हारे हमारे डांस में क्या फर्क है. तू खुद के लिए डांस करता है, हम दूसरों के लिए. पर क्या है ना अन्ना, शैंपेन भी इक्का तब निकालता है जब सामने बादशाह होता है. मजा आएगा. And you feel you can win? Of course, sir. We have the best team. मुझे बस वो इनायत और उसके गैंग को हराना है. तुम लोग नेशनल टेलीविजन क्रिकेट के नाम पे हमेशा आपस में लड़ते हो ना, ये लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में. पाजी, आपने वैसे झूठ क्यों बोला पाजी? हमें वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं. तेरे जैसे लोगों की वजह से उनका ये हाल है. अब तेरे दिल की बारी है, अब सिर्फ उसकी सुन. मेरी बीजी हमेशा कहती है कि चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु का नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो पल भी इबादत ना होता है जब तू किसी और के काम आवे. मिक्स्ड इमोशंस. ओके, शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जितनी भी रेमो डिसूजा की मूवी देखी है अब तक, जितनी भी रेमो डिसूजा की डांस फिल्म्स देखी हैं अब तक, उसमें ABCD जो सबसे पहली वाली थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी थी. द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, स्टोरी वॉज एक्चुअली, आई एक्चुअली लाइक द स्टोरी. और डांसिंग तो अमेजिंग थी ऑब्वियसली, यू नो धर्मेश एंड ऑल दैट, दीज पीपल आर रियली सुपर टैलेंटेड. जो ABCD 2 आई इसमें भी देर वॉज यू नो वेरी गुड डांसिंग. तो और लेकिन ABCD 2 जो मैंने देखी थी, मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टोरी पे कोई ध्यान भी नहीं था. आई वॉज ऑल इन टू यू नो गुड डांसिंग. आई हैव बीन काइंड ऑफ अ डांसर माई सेल्फ पहले के टाइम में, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, थोड़ा बहुत कॉलेज में भी. आई यूज टू डांस ऑल, आई यूज टू बी क्रेजी अबाउट डांस. आई एम अ ह्यूज माइकल जैक्सन फैन. एंड कैमरे में अभी नहीं आ रहा है, बट रॉकी बेलबुआ का जो ये इधर पोस्टर लगा है, इसके ऊपर माइकल जैक्सन का पोस्टर है. किसी यू नो वीडियो में दिखाऊंगा. बट आई एम अ ह्यूज माइकल जैक्सन फैन. एंड जब मैं स्कूल कॉलेज में था, आई यूज्ड टू यू नो जस्ट डांस ऑन एवरी माइकल जैक्सन सॉन्ग, एंड आई यूज्ड टू मिमिक हिम. एंड ऋतिक रोशन वॉज ऑल्सो यू नो वन ऑफ माई आइडल, जो मैं देख के यू नो डांस करता था. एंड यू नो आई वॉज ऑल क्रेजी अबाउट डांसिंग. अब तो बहुत टाइम हो गया, वो समय गए हुए, सो देयर इज दैट. बट यू नो पूरा जो सबसे पहले वाला डांस इंडियन डांस आया था, मैंने पूरा देखा था, जिसमें यू नो धर्मेश एंड ये सब लोग आए थे, जहाँ से यू नो डांस शो का एक यू नो फिर से जन्म हुआ था आफ्टर बूगी वूगी एंड ऑल दैट स्टफ. सो कमिंग टू दिस मूवी, मैंने सिर्फ ABCD 2 की मैं बात कर रहा था, वो सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ डांसिंग के लिए देखी थी. एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय श्रद्धा कपूर. जो सुन साथिया वाला सॉन्ग था, उसमें श्रद्धा कपूर का डांस इतना अमेजिंग था, इट वॉज सुपर अमेजिंग. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि श्रद्धा कपूर इतना अच्छा डांस कर सकती है, बट आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड. अब ये वही आ रही है यू नो सिमिलर कंसेप्ट कि हाँ कॉम्पिटिशन है, ग्रुप्स हैं, डांस होंगे, वैसे ही हमें यू नो अमेजिंग डांस मूव्स देखने को मिलेंगे. एंड जो इसमें ऊपर से तड़का डाला है थोड़ा सा यू नो कि वर्ल्ड डांस है, इस तरह का दिखाया कि हर एक कंट्री से टीम्स आई हैं, जिसमें से एक इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है. एंड दिस इज अ वेरी जेनेरिक फार्मूला टू यू नो हम इंडियंस के लिए ये बहुत ही यू नो जेनेरिक फार्मूला है किसी भी तरह की देशभक्ति जगाने के लिए. क्योंकि किसी के साथ भी मैच, जैसा उसने बोला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट में हो किसी भी चीज़ में हो, इंडियंस का जो देशभक्ति होती है ना हम लोगों की देशभक्ति तभी जागती है जब कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा होता है. ऐसी नफरत है पाकिस्तान के लिए कि किसी भी चीज़ से हो, चाहे इंडिया का मैच यू नो न्यूजीलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया, किसी से भी हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन जब पाकिस्तान से होता है ना, तब तो लोग नौकरी से छुट्टी लेके लोग वो मैच देखते हैं कि नहीं आज तो जीतना चाहिए, इतना होता है. अब वही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग टीम से मजा आएगा देखने में. बट यू नो मैं ऑनेस्टली ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ उस चीज़ पे, आई एम टोटली इग्नोरिंग दैट. ऑल आई वॉन्ट टू सी इज सम रियली गुड यू नो कोरियोग्राफ डांसेस, जो ऑब्वियसली इसमें होंगे ही होंगे.
जो वो एक मूव था जिसमें यू नो लोगों ने ब्रिज बनाया एंड वन गाय वाज टक 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 टक, दैट वाज रियली इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव था वो, द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और जो फ्लूइड मतलब मक्खन, दैट वाज रियली अमेजिंग, रियली कूल. टाइमिंग इस ट्रेलर की बहुत अच्छी है, जैसे इसमें दिखाया दीज आर ऑल यू नो इमिग्रेंट्स, यू नो बाहर के किसी, आई डोंट नो लंदन दिखाया क्या दिखाया, आई डोंट नो, बट वो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे हालत चल रही है अभी, यू नो इलीगल इमिग्रेंट्स एंड प्रोटेस्ट एंड ये, तो आई विल से दैट यू नो टाइमिंग बहुत अच्छी है इस ट्रेलर की, यू नो थोड़ा मिलता जुलता है हिसाब किताब. बट अदर देन दैट आई विल से इट्स ओके. प्रभु देवा इज अ लिविंग लेजेंड, उनका डांस देखने में मजा आ जाएगा. इसमें जो यू नो मुकाबला का गाना है ना, वो इसमें रीमिक्स करके थोड़ा डाला है. ऑडियो वाइज अगर मैं बोलूँ, आई हेट इट, मुझे ओरिजिनल गानों का रीमिक्स बहुत बुरा लगता है, चाहे वो कितना ही यू नो अच्छे डीजे ने रीमिक्स करा हो, ओरिजिनल इज ओरिजिनल. तो ऑडियो वाइज आई हेट इट, लेकिन यू नो जब विजुअली से देखेंगे तो चार चांद लगा देगा ये ऑब्वियसली, क्योंकि जो ओरिजिनल गाना था उसमें जो प्रभुदेवा ने डांस किया था, भाई साहब आई एम अ ह्यूज फैन, मेरा मुंह खुला का खुला था व्हेन आई वॉच्ड इट. प्रभु देवा इज सच अ मैग्नेटिक डांसर, कोई भी वीडियो देखे प्रभु देवा की, यू विल जस्ट यू नो ही इज लाइक अ मैग्नेट, आंखें चिपक जाती हैं स्क्रीन से व्हेन प्रभु देवा डांसेस, ही इज सुपर ऑसम. एंड ऑब्वियसली नोरा फतेही हम सब जानते हैं, यू नो सुपर अमेजिंग. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी यू नो रियली नाइस. श्रद्धा कपूर को देख के मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने साहो देखी है नेटफ्लिक्स पे, एंड इसके बाद एकदम से दोबारा श्रद्धा कपूर को देखा तो यू नो आई डिडंट रिएक्ट मच, क्योंकि आई वाज लाइक अभी तो देखा था सुबह. बट अदर देन दैट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ यू नो नाइस मूवी, अ गुड मूवी. एंड जैसे यू नो टिपिकल रेमो डिसूजा मूवीज होती हैं, दैट ऑब्वियसली इट विल बी अ हिट एंड मजा आएगा देखने में. इट्स इंटरेस्टिंग टू सी यू नो वरुण धवन को और भी कोई मूवीज में लेता है एक्सेप्ट हिज बिग ब्रदर एंड हिज फादर. रेमो डिसूजा है जो ले रहे वरुण धवन को, सो दैट इज इंटरेस्टिंग. अगर आप वरुण धवन फैंस हो तो आप इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, बट समहाउ आई एम लाइक ओके, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वरुण धवन एट ऑल. अब आप इसे पर्सनल चीज कहें या कैसे भी कहें, बट आई एम नॉट अ फाउंड ऑफ हिज एक्टिंग. देर इज ओनली वन एंड वन मूवी जो वरुण धवन ने अब तक करी है जिसको लेके मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार बंदे ने कमाल दिखाया, एंड दैट इज ओनली बदलापुर. सम पीपल विल से अक्टूबर में अच्छा काम नहीं किया था क्या एंड ये एंड वो, बट आई वाज आई बी लाइक दैट वाज ओके, इतना तो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एक्टर. बट बदलापुर में जो काम किया था ना, दैट वाज अमेजिंग, आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड बाय इट. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट स्ट्रीट डांसर. आई नो इसे बहुत ज्यादा डिसलाइक आने वाले हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू प्रिटेंड. जो है सो है, जैसा मैंने फील किया वैसा मैंने बोला. इफ यू लाइक डेट तो you know, आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली कूल. एंड दैट्स इट. आप मुझे बताइए व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस ट्रेलर एंड रिगार्डिंग दिस यू नो व्हाट एवर आई हैव सेड. अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए. अगर मैंने कुछ अभी मैंने इस ट्रेलर में इस वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, तो अगर मैंने कुछ यू नो स्पेशल मिस कर दिया है इस ट्रेलर में जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड That's it. वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली कूल. अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया एप्स. ऑल ऑफ द लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. एंड दैट्स इट. आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.